कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा यार। आप ये बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस, अब ये यही करते रहेंगे कि ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर रमजान स्पेशल ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट के साथ ईद लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, शरारा पॉम्पलम, गाउन, बॉयज फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। इस कोरोना काल में मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, क्या एमपी, क्या यूपी, हर जगह कोरोना वायरस से लगातार मौतें हो रही हैं। इलाज न होने की वजह से मरीज तड़प तड़प कर अस्पताल के चौखट पर ही दम तोड़ दे रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कोरोना वायरस से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में हमारे सिस्टम में जो वायरस घुसा है उसे कैसे बाहर निकाला जाए। देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों की लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। इस तरह से अस्पतालों की बद इंतजामिया है कि अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है। परिजन रोते बिलखते अपनों की जिंदगी की भीख मांगते हुए अस्पतालों की चौखट दर दर भटक रहे हैं। कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी बता रहा है तो कहीं इंजेक्शन नहीं है तो कहीं बेड नहीं है। आखिर इस बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है? अब सवाल उठता है ऐसे में कि भारत देश क्या इसी तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ेगा? क्या इसी तरह से कोरोना से जंग जीत पाएगा? देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और सिस्टम पर भी धिक्कार है। दवाई के लिए चक्कर कटवाओ, फिर उसके बाद ये करें कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस, अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है? क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए? हम तो डॉक्टर के सहारे में चल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। न्यूज आती है फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया, इस कांस्टेंट फेयर में, कांस्टेंट फेयर में। वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा यार। अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। कोरोना ही होगा ना, क्या हो गया? कम से कम सारा बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन क्या चीज होती है? ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। मैम मुनीराम में आप किसी भी हॉस्पिटल को बता दो ना, आप मुझे लिखते हैं घूमते फिरे, सन परमानंद में नहीं ले रहे, तीरथ राम में नहीं ले रहे, दिल्ली ऐप बना देते हो। भाई साहब 110 हॉस्पिटल को रात भर फोन करके ना, किसी हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर रहा है। फोन उठा ले, फोन भी उठा के रखिए। अच्छा तो हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं तोड़ी हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ यहाँ से? पैनल में हमारे पापा, ऐसा नहीं है फ्री में इलाज नहीं हो रहा। आप ये बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रॉपर सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी। हम रोड पे ऑक्सीजन लाएंगे, कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? क्यों निकालो, रोड पे लेके जाइए। मेरी मम्मी एलसीडी की पेशेंट है,